हेलो फ्रेंड, टेक्निकल अरमानी में आपका स्वागत। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखते रहना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने जो स्टेटस देखा ये अभी प्लेयर में बनते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप काइन मास्टर में इसे कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइन मास्टर में आ जाना और एक एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको मीडिया ब्राउजर में जाकर एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है। तो मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, आपको इसकी लेंथ को बढ़ा देना है जितनी मिनट या सेकंड का आपका स्टेटस वीडियो। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको एक मैं लिंक दे दूंगा ब्लैक स्क्रीन का, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक ग्रीन स्क्रीन का और एक ब्लैक स्क्रीन का, दोनों ही आपको डाउनलोड कर लेनी है। पहले देख लो उस ब्लैक स्क्रीन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, इसमें कैसे यूज़ करनी है, फिर डाउनलोड कर लेना। तो मैं उस ब्लैक स्क्रीन को इसमें ऐड कर लेता हूँ लेयर पर जाकर। तो फ्रेंड्स, ब्लैक स्क्रीन को इसमें ऐड कर लेने के बाद आपको इसको स्प्लिट स्क्रीन पर कर देना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको इसमें अपनी या अपनी किसी मॉडल की इसमें फ़ोटो ऐड करनी है। तो मैं एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं इस स्क्वायर के साइज़ में इसको मैं यहां पर सेट कर लूँगा और उसके बाद इसको यहां से सेंड टू बैक कर दूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी लेंथ को बढ़ा देना है और उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ब्लैक स्क्रीन पर चलना है और इसकी अल्फा ओपेसिटी को कम कर देना है थोड़ा। इसकी अल्फा ओपेसिटी फ्रेंड्स आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से कर लेना। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको इसकी ब्लैक स्क्रीन की कलर एडजस्टमेंट करनी है। तो कलर एडजस्टमेंट में जाकर हमको पहले ऑप्शन पर थोड़ा सी इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे और थोड़ा सा सैचुरेशन को बढ़ा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जो हमने इसमें फ़ोटो ऐड की उसकी भी थोड़ी सी कलर एडजस्टमेंट करेंगे। तो उसकी भी कलर एडजस्टमेंट में पहले ऑप्शन पर चले जाते हैं और थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं और थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें एक ग्रीन स्क्रीन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेने के बाद इसकी क्रोमा की में चले जाएंगे हम और इसको इनेबल कर देंगे क्रोमा की को। उसके बाद फ्रेंड्स, इसकी भी कलर एडजस्टमेंट करनी है। तो उस कलर एडजस्टमेंट वाले टूल में चले जाएंगे और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे और थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपनी हिसाब से अच्छी तरह से साइड में या बीच में से अच्छी तरह सेट कर लेना अपनी फ़ोटो या फ़ोटो के हिसाब से। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें म्यूज़िक लगा लेना। मैं अभी के लिए म्यूज़िक नहीं लगाऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टेटस बन चुका है, अब आपको मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो बिल्कुल अभी प्लेयर जैसा स्टेटस बन चुका, ऊपर पंखे वाला इफेक्ट भी आ रहा है फ्रेंड्स। इस तरह से फ्रेंड्स, आप काइन मास्टर में अभी प्लेयर वाला स्टेटस बना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ।